हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद अगेन हम एक नया इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उन्हें किस तरह से बाय किया जा सकता है। अभी टाटा टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आने वाला है, लेकिन मैंने स्पेशली मैं ऑलरेडी टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर होल्डर हूँ, तो मतलब हमने एक साल पहले ही इसके कुछ शेयर्स पे बाय करके रखे थे ताकि हमें पता चल सके कि लिस्टिंग गेन में या फिर अनलिस्टेड जून से किस तरह से इसका प्रॉफिट कमाया जा सकता है। नहीं, बाय द वे मुझे इतना प्रॉफिट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, जो इसका इशू प्राइस है वो उसी रेंज के आसपास है जहाँ पे मैंने बाय किया था। तो आप इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप अनलिस्टेड शेयर्स को पहले ही बाय कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब IPO आता है तो बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है और हमें अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। अगर आप एक साल पहले किसी भी स्टॉक में एक्टिव हो जाते हैं, उसके बिज़नेस को आप पसंद करते हैं, तो आप उससे पहले भी उसे बाय कर सकते हैं। किस तरह से बाय कर सकते हैं मैं पूरी प्रोसेस आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। यहाँ पे जैसा आप चेक कर रहे हैं कि ये लीड ऑफ का एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट भी, इस पर जाके आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करेंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि ईजी रहे आपके लिए, ठीक है? आप जैसे अपना अकाउंट ओपन करते हैं कुछ इस तरह का पेज आता है और यहाँ पे आपको जो अभी अभी स्टॉक्स मिल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी यहाँ पे मिल रहा है आपको टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल के बाद में NSE आपको मिल रहा है, ठीक है? बीरा, आजकल बीरा बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, B9 बेवरेजेस को। इसके अलावा यहाँ पे OYO भी आपको अनलिस्टेड मिल रहा है। अभी इनकी जो प्राइसिंग है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करती है। HDFC सिक्योरिटीज़ एक ब्रांड है, बहुत अच्छा। तो आज हम बात करते हैं किस तरह से मैंने पहले ही टाटा, मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ किस तरह से मैं पहले ही खरीद चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था एग्जांपल सेट करने के लिए, वो 26/2/2023 को मैंने किया था। इसमें ये इससे पहले भी एक ऑलरेडी हमने, मतलब ये मुझे इशू हो गया था, बोनस मिल गया था इसमें। मैंने 23/9/2022 को ऑर्डर प्लेस किया था, जो मुझे करीबन उस समय बहुत ज़्यादा महंगा मिला था, 8,000 रुपये की कुछ, मतलब 8,000 की वैल्यूएशन पे, मतलब 2,000 के, मतलब एवरेज, आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मुझे 6,000 के अप्रॉक्स ये एक शेयर मिला था, 12,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था। और देन ये स्प्लिट हो गया और मुझे 20 शेयर्स मिल गए थे बाद में, बोनस और स्प्लिट करके मुझे 20 शेयर्स मिल गए थे। यहाँ पे ये मेरा पूरा ट्रांजेक्शन है, डिटेल है, ये उन्होंने जो बाद में मुझे शेयर दिए थे वो भी, ठीक है? इन्वेस्टमेंट क्लिप थी। अभी जो मेरा करंट चल रहा है वो इतना, मतलब 11,820 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, 16,980 रुपये का उसमें करंट चल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो नेक्स्ट टाइम IPO लाने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी तो अभी आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी अवेलेबल नहीं है, सोल्ड आउट हो चुका है यहाँ पे काफ़ी समय पहले, और SEBI के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है जब IPO आ जाता है उसके लिए, ठीक है? तो अलॉटमेंट का ही वेट करना होगा अभी आपको। जैसे अभी कोई भी स्टॉक आप बाय करना चाहते हैं तो इसमें इजीली आप अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट में आपको जैसे आपका ज़ीरोधा अकाउंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे क्लाइंट ID नंबर आपको अपडेट करना होता है। एक मैं स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूँगा जो ये बताता है कि किस तरह से आप अकाउंट ओपन करते हैं, किस तरह से मतलब अपना जो डीमेट अकाउंट उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम इसके बाद भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे आपको, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको रिलायंस रिटेल का यहाँ पे एक शेयर अपलोड करके बता रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है? रिलायंस रिटेल का जैसे यहाँ पे भी एक शेयर मिल रहा है, मान लीजिए आपको 1,269 रुपीज़ का, ठीक है? फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू का। यहाँ पे जाके आप उसके एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं रिलायंस रिटेल ने किस तरह का परफॉर्म किया है लास्ट 3 ईयर्स में। तो ये जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे आपको नॉर्मली अपनी UPI से कन्वर्ट करना है, मतलब अभी आपको एक लॉट मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर 8 मिलेंगे आपको, ठीक है? 10,152 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इसका जो स्टाम्प ड्यूटी 1.52 है और ये ट्रांजेक्शन फीस लीड ऑफ की तरफ से ली जाती है 203 रुपये, ठीक है? तो यहाँ पे आप जैसे ऐड फंड करते हैं आप अपना फ़ोन पे UPI या किसी के थ्रू भी इतना पेमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये पेमेंट ऐड करने के बाद ये आपको मतलब डायरेक्ट आपका बाय नहीं हो जाएगा, ये आपके वॉलेट में शो होगा, यहाँ पे आपके वॉलेट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा, ठीक है? तो इस बैलेंस को आप जैसे ही करते हैं उसके बाद वापस आपको अपनी एप्लीकेशन पे रिलायंस रिटेल के शेयर पे जाना है
वहाँ पे जाके जो प्रोसेस अभी हमने कुछ समय पहले की थी सेम प्रोसेस करना, तब जाके आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। और ये 2 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन 2 दिन बाद मतलब क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, तो आपको 2 दिन तक का वेट करना होगा, कन्फर्मेशन मिल जाता है। तो ये थी एक पूरी प्रोसेस अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करने की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बारे में आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हमने आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया है। तो अभी और भी इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक बटन आप शेयर कर सकते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके भी आपके। ओके सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।